हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनबीए की वैकेंसी 15 तारीख को रिलीज तो बहुत दिन पहले हो गई है, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पर डेट है ना, वो 15 तारीख से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनबीए के बारे में दोस्तों हम पूरा डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि एनबीए का फ्री का क्लासेस पिछले साल ही मैंने दिया था, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जो कि आपका सब्जेक्ट है। इस साल भी मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, पूरा पीडीएफ क्लास भी देने वाला हूँ। तो आप सभी को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी आपकी मर्जी। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ स्पेशल एनबीए ग्रुप का, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो क्लासेस चलेंगी उसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है। पिछले साल मैंने क्या किया था दोस्तों, जीके का पीडीएफ, जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके का जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का, जीएस का, सभी पीडीएफ, मैथ रीजनिंग फ्री का मैंने प्रोवाइड कराया था। और पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था, आप सभी को ये बात पता होगा यदि आप मतलब मेरे पुराने कैंडिडेट हैं तो। और उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक देने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर में जो कटआउट की बात करेंगे साथियों, तो कटआउट का एक अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लिखिएगा एनबी प्रीवियस ईयर कटआउट बाय एग्जाम तक वॉरियर्स, तो वो वीडियो आप सभी को आ जाए, आप सभी के सामने आ जाएगा। कंपटीशन पिछले साल का दोस्तों काफ़ी टफ कंपटीशन था, ठीक है ना, काफ़ी टफ कंपटीशन था, कटआउट भी हाई ही गया हुआ था, ठीक है ना। यदि हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का तो लगभग 150 के आसपास उसका कटआउट गया हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का जो जनरल का कटआउट था नियर अबाउट 150 गया हुआ था, ठीक है ना। और सीनियर असिस्टेंट का 150 प्लस गया हुआ था, अभी आप इस बात को जान लीजिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, एनबी कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साइट पर अपलोड ही नहीं करती है, तो जो मतलब वर्बली क्वेश्चन याद रहता है और जो भी कैंडिडेट बताते हैं उस समय, बस उसी तरह के क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना, ये बात रह गई। यदि आप इस वैकेंसी को क्लियर करना चाहते हैं और आपको पता है एग्जाम डेट 20 सितंबर इसका है, इस वैकेंसी को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट पर काफ़ी फोकस करना होगा क्योंकि इसका स्किल टेस्ट काफ़ी टफ होता है। बता ये दूं कि ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ था जूनियर असिस्टेंट में, क्यों, क्योंकि कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया था, मतलब स्किल टेस्ट यहाँ पर काफ़ी मायने रखता है। तो यदि आप एनबीए में फॉर्म भरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एसीबीटी की भी तैयारी करनी है और स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, नहीं तो आप हो जाएंगे बाहर। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में आ रहा होगा सर स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप सभी को स्किल टेस्ट में टाइपिंग एकदम मस्ट है, टाइपिंग तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना, टाइपिंग आना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रामर के करेक्शन, ग्रामर यानी कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ग्रामर करेक्शन करने के लिए दिया हुआ था जो कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर फेल हो गए थे इसमें ही। और उसके साथ साथ कुछ और भी वर्क करने के लिए कंप्यूटर पर दिया गया था जो कि आपको करना था, ठीक है ना। तो बाकी क्या वर्क दिया गया था करने के लिए और क्या चीज़ें फुल प्रोसेस में थी, वो सब के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा 2-4 दिनों के अंदर, उसका टेंशन आप सभी लोगों को नहीं लेना, ठीक है ना। अब ये स्किल टेस्ट की बात होगी, प्रीवियस ईयर कटआउट बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, आपको तैयारी कैसी करनी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को देखिए सिलेबस क्या है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके 50x4 200 नंबर का पेपर होने वाला है, कितने नंबर का, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का यहाँ पर आप सभी के सामने पेपर होने वाला है, 50-50 नंबर का, 50-50 मार्क का यहाँ पर पेपर होने वाला है। दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी हार्ड वर्क मतलब करने के बारे में पिछली बार मतलब मैं किया भी था, इस बार भी सोच रहा हूँ। देखिए पसीना है, फैन भी नहीं चला, फिर भी मतलब ये मेरा खुद का घर नहीं जहाँ वीडियो ये बन रही है, ये एक डॉक्टर मतलब यहाँ पर ये दंत चिकित्सालय है, देख सकते हैं पीछे आप सभी लोग, आकर यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए। तो बस आपको करना क्या है, जान लगा देना या जाने देना है, ठीक है ना, जान लगा दो या जाने दो इस वैकेंसी को। यदि आप चाहते हैं जो भी पिछली बार एनबीए में फॉर्म फिलअप किया तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो इस वैकेंसी में से एक सीट अवश्य ले सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर सीट लेना चाहते हैं, कौन कौन नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन फॉर्म को फिल करें और कौन कौन नहीं फॉर्म को फिल करें। बाकी कोई भी क्यूरी हो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें जरूर छोड़िए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आप सभी के लिए तब भी तैयार हूँ। कौन सी क्लासेज जल्द से जल्द शुरू की जाए, देखिए दोस्तों यूट्यूब पर फ्री क्लासेज मैं देने वाला हूँ,
कोई भी पेड कोर्स नहीं लॉन्च करने वाला हूँ। पिछली बार भी दिया था, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे वहाँ से, इस बार भी आएंगे। और यदि आपको पेड कोर्स ही लेना है तो दोस्तों मैं बताऊँगा पेड कोर्स कहाँ से लेना है, कैसे परचेज करना है। वैसे मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया, टेस्ट सीरीज भी नहीं, तो उसके बारे में भी फ्री ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी फॉर्म फिल करेंगे एक बार हमें ज़रूर बताएंगे।